सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है मैंने किया है शाम से स्टार्ट। तो ये देखिएगा, आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। घर में काम चल रहा है, काम चलने की वजह से कपड़े धोने में, सुखाने में बहुत परेशानी आ रही है। तो ये देखिएगा, अभी सारे कपड़े मैंने यहाँ पर धो दिए हैं और अधिकतर सूख भी गए हैं ये, जब मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखिएगा, चादर वादर कोई भी मैंने इसी तरीके से सुखा दिया है। तो देख सकते हैं आप, समय इतना हो रहा है, बेटा भी आज जल्दी आ गया है। तो चलिए, अब कुछ बनाने की सोच रही थी मैं कि मैं क्या बनाऊँ। तो काफ़ी दिनों से ये दाल चावल नहीं खाए हैं, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं दाल चावल। तो बस दाल और चावल भिगो देती हूँ और फिर उसके हिसाब से ही बनाऊँगी। तो ये देखिएगा, ये है मसूर की दाल, काली मसूर की जो दाल होती है। और जो मैंने इसमें डाल रखे हैं ना, ये दवाई सी जो है, ये दाल ख़राब ना हो इस करके इसमें डाला हुआ है। तो बस इतनी ही बनाऊंगी, जितनी ही निपट जाएगी, अगर थोड़ी बहुत बच भी जाएगी तो दोपहर में मेरे काम आ जाएगी। और अब बस चावल भी भिगो लेती हूँ। चावल मैंने बाकी के तो उसमें डिब्बे में रख दिए, ये बच गए थे तो मैंने कहा चलो इनको इसी तरीके से यूज कर लेंगे। और ये देखिएगा, एक कटोरी चावल मुझे बनाने हैं। तो देखिए, बिखर भी गए हैं, देख ये अभी इसमें पैकेट्स में बच भी गए हैं कि जो है, अभी मुझे एक ही कटोरी बनाने हैं तो इसमें फिर बच गए हैं। तो थोड़े से और डाल दूँगी क्योंकि बनते बनते कभी कभी खाए भी जाते हैं और कभी कभी बस दूसरे दिन के लिए भी रह जाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, बस इसमें से ही कुछ थोड़े बहुत निकाल के बाकी बचा लेती हूँ। तो बस यही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बस इसी वजह से आज इवनिंग से ही ब्लॉग शेयर कर दिया था। ये चावल बस मैंने इसमें डिब्बे में रख दिए थे और एक बार पहले भी बना लिए थे, बस इसको बचा कर रख देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला चावल बढ़ता भी है। तो बस चावल और दाल भिगो रही हूँ और उसके बाद करती हूँ और काम स्टार्ट। Thank you.
तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर तेल हो गया है गरम, और इसमें मैंने हींग भी डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए हैं, जीरा भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है इसमें। बस अब नमक मिर्च डालना रह गया है, क्योंकि जो दाल बनाते समय भी ये था ना कि टीवी वगैरह चल रहा था, तो इसलिए वॉइस मुझे बाद में डालनी पड़ रही है। और ये देखिएगा नमक, हल्दी, मिर्च, मेरे मेन मसाले यही होते हैं। बस प्याज मैं कम पसंद करती हूँ, पका कच्चा तो मुझे तब भी सही लगता है, पका हुआ मुझे प्याज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डालती बहुत ही कम हूँ। तो ये देखिएगा इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया है। इस तरीके से ना, क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा है, एक हाथ से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि अगर हम कढ़ाई वगैरह में खाना बनाते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो अच्छे से सूट हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग कुकर वगैरह में बना रहे हैं ना तो बहुत ही मुश्किल होती है आप लोगों के साथ उसको शेयर करना। तो बस एक हाथ से ये काम हो रहा है, एक हाथ से ये काम हो रहा है, तो बस दाल वगैरह डाल देती हूँ इसमें ही, क्योंकि एक ही हाथ से डाल रही हूँ तो इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ मुझे जब शेयर करना है तो शेयर करना ही है। बस दाल छौंक देती हूँ अच्छे से उसको थोड़ी सी देर, और पानी डाल के इसमें लगा दूँगी मैं सीटी। और उधर मेरे चावल भी भीग चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा चावल, दाल बनने में ही ज़्यादा टाइम लगता है और चावल बनने में लगता है कम समय, तो थोड़ी देर बाद ही चावल रखूँगी, क्योंकि अभी जो है वहाँ पर मुझे इस काम को भी करना है, और उसके बाद फिर देखती हूँ कि अगर एक दो सीटी आ जाएंगी तो उसके बाद मैं चावल भी बनने रख दूँगी। और ये देखिएगा दाल में अच्छा सा कलर भी आ चुका है, बढ़िया सा कलर आ चुका है, और बस थोड़ा सा पानी इसमें और डालती हूँ, उसके बाद उसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। और देखिएगा यहाँ भी दूध भी उबाल आने वाला है, दूध उबाल आते के साथ ही फिर जो है फिर मैं इसमें चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि चूल्हा भी खाली होना ज़रूरी है। और ये देखिएगा कुकर पर लगा दी है सीटी, यानी ढक्कन बंद कर दिया है, यहाँ दूध भी उबाल आने वाला, दूध भी बंद करती हूँ। और ये देखिएगा चावल हो गए हैं बिल्कुल रेडी, भीग कर बहुत अच्छे से चावल हो गए हैं, दूध मैंने यहाँ रख दिया है गरम करके। और ये देखिएगा इसको भी, इस पानी को फेंक देती हूँ, और बस इसमें और पानी डाल के चावल भी बनते रहेंगे और यहाँ पर दाल भी बनती रहेगी, तो दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ। तो यही मेरा शाम का भी रूटीन रहता है, अगर सब्जी रोटी बनानी है तो भी, दाल चावल बनाने हैं तो भी, अच्छे से पानी रख देती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे इसको जो है पसुआ ही बनाने हैं। तो बस अब इसके गैस ऑन कर देती हूँ और बस चावल और दाल पकते रहेंगे, और मैं अपना अंदर थोड़े बहुत जो कपड़े सूख गए हैं उनको जो है तय लगा के रखती हूँ, क्योंकि दाल चावल बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप इसके साथ और भी काम कर सकते हो, है ना। तो चलिएगा मैं भी बनाती हूँ, मतलब मैं भी करती हूँ थोड़े से कपड़े अपड़े तय वगैरह। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, आई हूँ रसोई में, तो देखिएगा चावल बनके बिल्कुल तैयार हो गए, बढ़िया हो गए हैं, और थोड़ा सा ऐसे खोल दिया है मैंने, और इधर दाल भी तैयार हो गई है, ढक्कन खोल रही हूँ ना, फिर वही एक हाथ से पकड़ कर खोलने की कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होता है। और ये देखिएगा ढक्कन खुल गया है, और अब देखते हैं दाल, मुझे लग रहा है ज़्यादा पक गई है, काम के बीच में ध्यान नहीं रहता, तो ये देखिएगा गाढ़ी गाढ़ी दाल हो गई है। गाढ़ी दाल मुझे भी कम पसंद है, बेटे को भी पसंद कम है, लेकिन अब इसमें पानी डालना बेकार है, क्योंकि इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो दाल इस टाइम ऐसी हो रही है ना जैसे कि बिल्कुल रोटी खाने लायक, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेंगे आज। तो बस बेटे के लिए खाना लगाती हूँ, फिर अपने लिए भी खाना लगाती हूँ, और दाल को वैसी रहने देते हैं। तो ये देखिएगा बेटे की थाली मैंने लगा दी है, तो आप लोग भी आ जाइए, जिसको जिसको गरम गरम दाल चावल पसंद हैं वो भी लोग भी आ सकते हैं। और अब हम लोगों का टाइम भी हो गया खाने का, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से इसको खा भी लेते हैं, क्योंकि दाल चावल गरम गरम खाने में ही मतलब अच्छा लगता है, ठंडे हो जाते हैं ना तो वो बात नहीं रहती है इनमें। तो बस यहाँ बेटा लेटा हुआ था तो मैंने कहा उठ के खाना खा लेगा, तो बस मैं अपने लिए भी लेकर आती हूँ अब। तो अभी घर में काम चल रहा है, सब कुछ फैला पड़ा है, घर भी ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ अच्छे से नहीं व्यवस्थित हो पा रहा है, तो मेरी भी थाली लग चुकी है,
तो फ्रेंड कैसा लगा आज का व्लॉग आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो बस मैं भी अब खाना खाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। और जो भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।